उत्तर प्रदेश में क्रैप के गोदामों पर हुई कार्रवाई के बाद अब उद्धम सिंह नगर में वाहन काटने वाला गिरोह सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि राज्य कर विभाग ने उद्धम सिंह नगर के केलाखेड़ा में वाहन कटर डीलरों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा, जिसमें करोड़ों रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। साथ ही राज्य कर विभाग ने 15 स्थानों से मिली मोटरसाइकिल, कार सहित 340 वाहनों को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा में बाहर से गाड़ियां लाकर उन्हें काटने और बेचने का काम चल रहा था, जिसके बाद राज्य कर विभाग की 14 टीमों ने 15 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीमों ने 60 से अधिक मोटरसाइकिल और 280 कार बसों को सीज कर दिया। सीज किए गए वाहनों की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच के दौरान 11 पंजीकृत और 4 अपंजीकृत वाहन कटर डीलर पाए गए। ये वाहन कटर डीलर पुराने वाहनों को काटकर लोहा, स्क्रैप और कल पुर्जे बेचने का काम करते थे। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये जो फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर सब वो ये बाइक्स हैं, उनको जो कट करके जो स्क्रैप के रूप में चीज वो बेचने का आया था। विगत हमने चार एक हफ्ते से कहा, हमारे जो विशेष अनुसंधान टीम है उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके जारी करके कल हमने छापेमारी कार्रवाई की गई है, जिसमें 15 स्पॉट पर हमने जाँच किया है, जिसपे 11 पंजीकृत पाए गए हैं और क्या कहते हैं 4 अंडरशर्ट पाए गए हैं। तो इतनी टीमों में 64 अधिकारियों द्वारा कार्य किया गया है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने जो उनसे पेपर सीज करके उनके अभिलेखों को सीज कर रखा है, जिसकी अभी जाँच की